मैं सुधीर राठौर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से हूँ। फरवरी 2020 में मेरे कूल्हों में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हुआ। वो दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे उठने में, बैठने में, चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। फिर मैंने आगरा के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने जांच वगैरह कराई, तब उस जांचों में मेरा AVN नाम की बीमारी आई। फिर उन्होंने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय हिप रिप्लेसमेंट के, कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तुम्हारे कूल्हे दूसरे डलेंगे। मैंने एक के बाद एक कई डॉक्टर बल दे, लेकिन सभी ने यही बोला कि इसकी कोई दवा नहीं है सिवाय हिप रिप्लेसमेंट के। मैं एक के बाद एक कई शहरों में गया, कानपुर गया, ग्वालियर गया, कई महीने मैंने आयुर्वेदिक दवा खाई। कानपुर में 6 महीने ट्रीटमेंट कराया, कपिंग थेरेपी ली और कई सारी थेरेपी ली मैंने, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। कई जगह दिखाने के बाद में मेरे एलोपैथिक दवा चलाई, आयुर्वेदिक की दवा चलाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे कूल्हे एकदम जाम हो चुके थे और मेरी एक फर्स्ट ग्रेड से फोर्थ ग्रेड में पहुँच गए थे और मेरा चलना फिरना एकदम बिल्कुल बंद हो चुका था। ये वास्कुलर नेक्रोसिस में होता क्या, एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाते हैं हमारे हेड ऑफ फीमर पे। जैसे वास्कुलरिटी कम होता है तो वहाँ हमारे जो बोन सेल होता है, बोन मेरो होता है, वो नेक्रोटिक स्टेज में पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे फ्रेजाइल होने लगते हैं। लेजर एज ए रीजनरेटिव मेडिसिन काम करते हैं, इसका काम है न्यू वास्कुलराइजेशन को बढ़ाना। अगर वास्कुलरिटी नहीं भी है तो न्यू वास्कुलरिटी को बढ़ा देते हैं पल्स टेक्निक के थ्रू। बहुत ही डीप पेनिट्रेशन होता है लेजर के। जैसे आपका वास्कुलरिटी बढ़ेगा, आपका उस जहां आपका सेल नेक्रोटिक हो रहा था वो धीरे धीरे आपका वो ऑक्सीजन जैसे बढ़ेगा वो रिवाइव स्टेज में पहुंचेगा, वो रिजनरेटिव स्टेज में पहुंच जाते हैं। जब नेक्रोटिक स्टेज में पहुंचता है तो हमारे जो बॉडी का वजन है वो लोड को उठा नहीं पाते हैं और हेड ऑफ जो फीमर होता है वो धीरे धीरे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक स्टेज में पहुंच जाते हैं नेक्रोटिक स्टेज पे, और बहुत सीवियर पेन करते हैं इसमें। इसमें हम लोग करते क्या है, यूजली एंजियोजेनेसिस करते हैं। एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जो हम लोग न्यू वास्कुलराइजेशन करते हैं, नए तरीके से हम लोग उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप कर देते हैं। वंस आपका ब्लड वेसल्स ब्लड के रास्ता वहाँ बन जाते हैं तो बोन सेल अपने आप ही रिपेयर और रीजनरेट करने लगते हैं। धीरे धीरे वो रीजनरेटिव फेज पे जैसे पहुँचेगा आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी बहुत फास्टर कम हो जाते हैं। फिर आपका जो डैमेज हो रहा था टिश्यूज वो रिवाइव कर जाते हैं उतने फ्यू मंथ्स के अंदर। मिस्टर सुधीर राठौर बिफोर आवर ट्रीटमेंट एक्सरे डेटेड ऑन 6 नवंबर 2020 पोस्ट स्टेज क्रॉनिक एवियन इन फीमर इररेगुलर बोन हेड 90% कार्टिलेज रप्चर लाइटिक लेसन कोलैप्स फेमोरल हेड नेक्रोटिक बोन रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन पेल्विक टिल्टिंग सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। आवर ट्रीटमेंट, we start his treatment according to recent x-rays. We started our treatment with pulsed NDAC laser with quantum radio frequency and orthospec ESWT. We did his 30 treatment sittings in 6 months. Mr. Sudhir Rathore, after our treatment, x-ray dated on 10th March 2021. X-ray report diagnostic. Stopped necrosis process, no lytic lesion, well-shaped femoral head, 70% cartilage regeneration, good gap between joints, full range of motion, normal pelvic alignment, stopped arthritis process. Patient before and after x-rays. As you can see, we have got very positive results and we have seen a very good difference between before and after. काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर मुझे YouTube के माध्यम से डॉक्टर हराप्रसाद हल्द्वानी में मुझे पता पड़ी। फिर मैं डॉक्टर साहब से मैंने बात करी, फिर मेरा यहाँ पे 5 से 6 महीने ट्रीटमेंट चला। मुझे काफ़ी आराम है, अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उठना बैठना मेरा सही हो चुका है, चलना फिरना भी काफ़ी मुझे आराम है। मैं मिनी ट्रक ड्राइवर हूँ, पहले मुझे गाड़ी चलाने में काफ़ी समस्याएँ आती थी, 2-4 घंटे सफ़र करने के बाद में बिल्कुल नहीं चल पाता था, लेकिन अब मुझे काफ़ी आराम है। ड्राइविंग करने के बाद में भी जितने भी AVN वाले पेशेंट हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी यहाँ आ सकें उतनी जल्दी आ जाएं, अपनी ग्रेड ना बढ़ने दें। जितनी जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी ही आराम मिल जाएगा
और यहाँ बहुत अच्छी लेजर टेक्निक है और यहाँ पर कोई दवा नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीरा कांटा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी टेक्निक है और कोई परहेज नहीं है।